हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पार्थिव शिवलिंग को कैसे बनाया जाता है। और यहाँ पर आपको हम साथ ही साथ बता दें, जैसे कि पंडित जी ये बना रहे हैं शिवलिंग, तो इसको बनाने के लिए आप ये जो मिट्टी है ये मार्केट से आप ले सकते हैं, साथ ही साथ किसी पोखरे या किसी नदी की मिट्टी से भी आप इसे बना सकते हैं। इसको बनाने में ध्यान ये रखा जाता है कि जो शिवलिंग है वो अधिकतम 12 अंगुल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस पार्थिव शिवलिंग के पूजा करने का काफ़ी महत्व बताया गया है। शिव पुराण में भी ये बताया गया है कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना करके उनके सामने अगर पूजा करते हैं, उनके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, तो एक ही बार नाम लेने में आपके सारे पाप धुल जाते हैं, और दूसरी बार शिव का नाम लेने से शिव खुद आपके रेडी हो जाते हैं। तो काफ़ी महत्व बताया गया है शिव पुराण में और तमाम वेद की किताबों में कि शिवलिंग का पूजा आपको किस प्रकार से करना चाहिए। और आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग बनाया जा रहा है। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये वीडियो आपके समक्ष देख सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आप भी शिवलिंग के इस पार्थिव शिवलिंग को बना सकते हैं और खुद से पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। शिव की आराधना कोई भी कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। शिव के इस पार्थिव शिवलिंग का पूजा करने से आपके सभी दोष भय मुक्त हो जाते हैं और कल्याणकारी इसका लाभ होता है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुक्मैव बन्धनाय मृत्योर्मोक्षीह मां नृपः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो फिर एक बार बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और यहाँ पर नाग देवता को सजाया जा रहा है शिवलिंग के ऊपर। देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनकर के ये तैयार हो चुका है शिवलिंग आपके सामने, और बिल्कुल आसानी से आप ऐसे इस प्रकार से खुद भी बना सकते हैं।
पवित्र शिवलिंग बन करके पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इनका श्रृंगार किया जा रहा है और उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। उम्मीद है कि शिवलिंग को बनाने की ये प्रक्रिया आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगा दीजिएगा। श्री महिमादोजाशु विश्वाभूताने त्रिपादाशां दिव्यपादोषु विश्वाभूताने त्रिपादाशां।